Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dreamy Sanya. Hope you all are good. I am back with a new video. Actually I am back after a long break. क्यों लिया था मैंने ये break, ये मैं share करूंगी किसी और video में. आज हम सीधा चलते हैं हमारे आज के topic की तरफ. सो आज की वीडियो होने वाली है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, क्योंकि हम सब जानते हैं वेडिंग का सीजन आ रहा है, शादियों का सीजन आ रहा है. सो कम लोगों में शादियां होंगी, लेकिन शादियां तो होंगी. सो हमें तैयार भी होना पड़ेगा, बट पार्लर जाना थोड़ा सा रिस्की है. सो इस वीडियो की हेल्प से अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप एक अच्छा खासा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है. बहुत ही ईजी स्टेप से, बहुत ही सिंपल, क्विक एंड ईजी स्टेप्स हैं. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करेगा, केकी नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा और आप सारी पार्टी में स्टैंड आउट करेंगे. तो आइए इंट्रो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ. सो फेस को प्रेप मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसके स्टेप हैं CTM, दैट इज क्लेंजिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. ये तीनों स्टेप मैं कर चुकी हूँ, तो हम सीधा चलते हैं हमारे मेकअप पे. सो मेकअप का फर्स्ट स्टेप वी ऑल नो प्राइमर होता है, क्योंकि प्राइमर बहुत बहुत ज़रूरी है. सो आज जो मैं प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ वो है दिस लैक्मे एब्सोल्यूट अंडरकवर जेल प्राइमर. ये पोर फिलिंग प्राइमर है. अगर आपके पोर्स हैं और ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा प्राइमर होने वाला है. सो दिस इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. एज यू कैन सी ये ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है. इससे आपको टी जोन को फोकस करते हुए लगाना है, दिस टी जोन. यहाँ पे हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पोर्स ज़्यादा होते हैं. सो हमें इसी टी जोन को फोकस करते हुए हमारे प्राइमर को इजीली स्किन में ब्लेंड कर देना है, सो दैट हमें एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाए आगे का मेकअप करने के लिए. इतना स्मूथ हो जाता है ये लगाने के बाद, फेस बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है. बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर मिल जाएगा, सो दैट आपके जो आगे के बेस स्टेप्स होने वाले हैं वो इजीली ब्लेंड हो जाएं. सो चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ. सेकंड मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन. दिस इज़ लॉरियल इनफॉलिबल 24 आवर स्टे फ्रेश फाउंडेशन. दिस इज़ इन द शेड 220 सैंड. जो भी प्रोडक्ट्स मैं वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो दैट अगर आपको कुछ खरीदना हो, कुछ पसंद आए, तो आप लिंक्स के थ्रू वो बाय कर सकते हैं. सो इसके मैं 2 पम्प्स लेने वाली हूँ. ये मैट प्राइमर, सॉरी फाउंडेशन है. एक मैट कवरेज देता है आपको, बहुत ही अच्छी कवरेज, लॉन्ग लास्टिंग भी है ये. और मेरी ऑयली स्किन है, सो मेरे लिए ये बहुत बेस्ट वर्क करता है. ये मैट है, हम वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक अचीव करने वाले हैं, सो मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ दिस स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर इन द शेड सिल्वर पिंक. में हल्की हल्की ग्लिटर है, लाइक दिस यू कैन सी. बहुत ही लाइट ग्लिटर है, इसमें कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है. सो मैं इसे फाउंडेशन के साथ मिक्स कर लूँगी, सो दैट कि एक शाइनी लुक दे देगा हमारे बेस को. और इस तरह से जब हम अपने फाउंडेशन को इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाएगी, सो दैट जब हम इसे अपने स्किन पर लगाएंगे तो ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी. सो इस तरह से इसे अ फ्यू सेकेंड्स के लिए आपको मिक्स करना है एंड देन अपनी स्किन पर लगा लेना है, लाइक दिस. ब्लेंडिंग के लिए या तो आप यूज़ कर सकते हैं दिस ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि वेट होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट, या फिर आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं. कोई भी डेंस फ्लफी ब्रश हो, उससे आपका फाउंडेशन बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. सो ब्रश का क्या फ़ायदा होता है, इससे एक तो प्रोडक्ट वेस्ट कम होता है, कवरेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है एंड ब्लेंडिंग भी ईजी हो जाती है. सो आपको इस मोशन में ब्रश को यूज़ करना है, ऐसे रगड़ना नहीं है स्किन पे, जस्ट टैप इट और बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाता है. सबसे ज़्यादा टाइम आपको बेस में लेना है, आप किसी भी मेकअप के स्टेप में टाइम ना लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेस में आप पूरा टाइम लें. 5 to 6 मिनट्स अगर आप फाउंडेशन ब्लेंड करने में लेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट रहेगा, कभी केकी नहीं होगा और आपका फाउंडेशन कभी ब्लैक भी नहीं होगा, अगर आप ब्लेंडिंग में उससे पूरा टाइम देंगे तो, लाइक दिस. एज यू कैन सी मेरा हाफ फेस पे ब्लेंडिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट. और आप कवरेज इसकी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कवरेज देता है ये. अभी तक का मैं इसे बेस्ट फाउंडेशन कहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये फाउंडेशन. मैं ये नहीं कह रही हूँ जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आप वही यूज़ कीजिए, आप अपने फेवरेट कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं.
ब्लेंडिंग इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन। सो ये जो नेक एरिया है और जैसे मेरा ऑफ शोल्डर टॉप है, इसमें शोल्डर्स भी रिवील होंगे, सो जो भी रिवीलिंग पार्ट है उस सब पे आपको फाउंडेशन या बेस मेकअप जो भी है वो लगाना ज़रूरी है। इस तरह से ईयर्स पे, नेक पे, लाइक दिस। सो हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। एज यू कैन सी मुझे बहुत अच्छी कवरेज दिख रही है इसकी। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल कंसीलर एंड दिस इज़ इन द शेड 02। ये मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइट है, सो मैं इसे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी। एज यू कैन सी मुझे कोई डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं है, ना ही कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि मुझे करेक्टिंग की ज़रूरत पड़े, सो मैं इसे हाईलाइटिंग के लिए हाईलाइटिंग पार्ट्स पे यूज़ करूँगी। इस तरह से इसका कुछ वॉन्ड आता है, जैसा कि नॉर्मल सभी कंसीलर में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। सो इससे हम सबसे पहले अंडर आईज पे लगा लेंगे, क्योंकि मैं ब्लैक आई मेकअप करने वाली हूँ, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरी अंडर आई है वो हाईलाइट करे, अदरवाइज वो डार्क सर्कल का इफेक्ट देगा जब मैं ब्लैक आई मेकअप करूँगी। सो अंडर आईज का हाईलाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरह से, और अपर आईलिड पे भी लगा लूँगी। नोज इसे भी आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और ब्रश से भी कर सकते हैं, मैं वही फाउंडेशन वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर जब ब्लेंड करने लगे ना, जब उसे लगाएं, उससे 10 to 15 seconds अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे तो वो कवरेज अच्छी देगा। इसीलिए मैं आपके साथ ये चिट चैट शेयर कर रही हूँ, सो दैट मेरे कंसीलर को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए एंड उसकी कवरेज भी अच्छी आए और मैं आपको स्टेप्स भी इजीली शेयर कर सकूँ। सो मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी लाइक दिस। ब्रश को हमेशा डैबिंग मोशन में ही यूज़ करें, ग्लाइड नहीं करना है ब्रश को, डैबिंग मोशन लाइक दिस एंड वी आर गुड। इसकी बहुत ही अच्छी कवरेज है और ये अल्ट्रा अफोर्डेबल कंसीलर है, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं एंड वी आर डन। सो बेस हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया, अब बस हमें इसे सेट करना है। बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर इन द शेड 25 मीडियम। ये कुछ इस तरह से आता है, इस तरह होल होते हैं इसमें, सो हम इसे हल्का सा इस तरह से करेंगे तो पाउडर बाहर आ जाता है। बिल्कुल लाइट लाइट लेंगे एंड फेस को सेट कर लेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बेकिंग भी कर सकते हैं इससे, बट ऑयली स्किन वालों को मैं बेकिंग बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उससे उनका केकी लुक आ सकता है। सो ड्राई स्किन वाले बेकिंग कर सकते हैं, ऑयली स्किन वालों को बेकिंग मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। सो हम पूरे फेस को इस तरह से सेट कर लेंगे। सो इस तरह से हम सेट कर लेंगे लाइक दिस, ऑलमोस्ट डन। एक बार हम अपने बेस को सेट कर लेंगे। सो बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस स्विस ब्यूटी का फिक्सर। इससे हम अपने बेस को सेट कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा मेकअप है वो इजीली मेल्ट नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और हमारा बेस केकी भी नहीं लगेगा। सो इसे स्प्रे कर लेंगे। बहुत ही लाइट स्प्रे करना है, थोड़ा सा दूर से स्प्रे करना है। फिर क्या करना है, एक ब्यूटी ब्लेंडर वेट वाला लेना है और इससे डैब कर लेना है। इससे हमारा जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो ब्लेंडर पे आ जाएगा और जो प्रोडक्ट फेस को चाहिए वो उसमें सेट हो जाएगा लाइक दिस। इस तरह से अब हमारा बेस कहीं नहीं जाने वाला। आप ये टेक्निक ट्राई करके देखिएगा, यू विल लव दिस। और अगर आपकी ये टेक्निक काम कर जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब हम चलते हैं हमारे आई मेकअप की तरफ। सो अगर आप बिगिनर हैं और आई मेकअप में इतने प्रो नहीं हैं, तो आप एक टेप का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छी लुक आएगी। सो क्या करना है, टेप को कट करना है और इसे इस तरह से अपवर्ड साइड पेस्ट कर लेना है, दोनों साइड सेम थिंग। लाइक दिस। अब आपका मेकअप जहाँ तक चाहिए आईज पे और जिस पोजीशन
पोजीशन में, जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उसी डायरेक्शन में जाएगा, उससे बाहर की तरफ नहीं जाएगा। सो गेट रेडी टू शाइन एंड डू अ ब्यूटिफुल आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मैं कैमरे को थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस स्विस ब्यूटी की HD टेक्सचर्ड आई शेडो पैलेट। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पैलेट। सो मैं इस पैलेट में से ये ब्लैक कलर यूज़ करने वाली हूँ और उससे आउटर वी पे प्लेस करने वाली हूँ। सो बहुत ही लाइट हैंड से कलर लें क्योंकि ये आई शेडो के कलर्स बहुत पिगमेंटेड हैं। इस तरह से उसे प्लेस करें। आउटर वी पे प्लेस करते हुए मैं इसे क्रीज लाइन में सेट कर लूंगी लाइक दिस। बहुत ही लाइट हैंड से ब्लेंडिंग करनी है, आपको हार्श नहीं होना है। इस तरह से ब्लेंड लाइक दिस। ब्लेंडिंग में आपको पूरा टाइम देना है, वो चाहे बेस की ब्लेंडिंग हो या चाहे आपके आई शेडोज की ब्लेंडिंग हो। ब्लेंडिंग में अगर आप पूरा टाइम देंगे तो आपका मेकअप डेफिनेटली स्टैंड आउट होने वाला है बहुत। सो सेम मैं इस आई पे भी करने वाली हूँ लाइक दिस। एंड वी आर डन विद दिस आउटर वी पोजिशन। सो अब मैं ये कुछ कॉपर सी शेड है दिस वन, ये यूज़ करने वाली हूँ सेंटर ऑफ आईलिड में। दोनों आईज पे हमें बराबर कलर प्लेस करना है। लाइक दिस। अब मैं ये सिल्वर शेड लूंगी, फिंगर की हेल्प से लूंगी क्योंकि फिंगर से जो पिगमेंटेशन आती है वो बहुत अच्छी आती है, और उससे अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। सो इसे लाइक दिस। बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है। और फिर इसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर देंगे लाइक दिस। ऐसा ना हो कि आपके कलर्स अलग अलग से दिखें, उन्हें ब्लेंड एंड में जरूर करें लाइक दिस। सो आई शेडो पार्ट हमारा डन हो गया, अब आईलाइनर लगा लेते हैं। सो आईलाइनर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ दिस मेबलिन का कॉलोसल बोल्ड आईलाइनर। बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, इसकी टिप मुझे बहुत अच्छी लगती है, विंग्स इससे बहुत इजीली बन जाते हैं। हमारा आईलाइनर दोनों आईज पर डन हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारा आई पार्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इस पे फॉल्सेस अप्लाई करूंगी। सो मैं नॉर्मल सी फॉल्सेस अप्लाई करने वाली हूँ दिस वन, और ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हैं फॉल्सेस के साथ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ करें रादर देन दैट ब्लैक ग्लू, वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर सकती है, क्योंकि मेरे साथ भी किया है उसने ब्लंडर। जब मुझे फॉल्सेस अप्लाई करनी नहीं आती थी, मैंने ब्लैक ग्लू से ही ट्राई की थी एंड इट डिड ब्लंडर टू माई आई मेकअप। सो हमेशा ट्रांसपेरेंट ग्लू से ही आई लैशेस को अप्लाई करें। इस तरह से हम अप्लाई कर लेंगे इस पे ग्लू लाइक दिस, और इस तरह से अपनी आई लैश को स्मूथ करेंगे, कर्वी राउंड शेप देंगे क्योंकि आई स्पेस ने राउंड में ही जाना है। देन इसे प्लकर की हेल्प से होल्ड करेंगे और सेंटर ऑफ आईलिड पे रखेंगे पहले। सो इसी तरह से दूसरी आई पे भी कर लेंगे। तो आई लैशेज हो गई हैं अप्लाई, और आप देख सकते हैं इसने आई मेकअप को कितना ज़्यादा एनहेंस कर दिया है। अब मैं अपनी ब्राउज सेट कर लूँगी। ब्राउज सेट करने के लिए ऐसा एंगुलर ब्रश आप ले सकते हैं, और मैं यही स्विस ब्यूटी वाली पैलेट से दिस ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके अपनी ब्राउज सेट करूँगी। और
ब्राउज सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इन्हें कोई आउटलाइन नहीं देनी है, जो आपकी ब्राउ की लास्ट लाइन है उसके अंदर कलर डिपॉजिट करना है। और कभी भी स्टार्टिंग से आप कलर ना लगाएं, थोड़ा सा पीछे से लगाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्राउज थोड़ी लाइट ही होती हैं, लाइक दिस एंड दिस। और यहाँ पे आप इसे हाई एंड पॉइंट बना सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। और फिर इसे फिल इन कर दें, और जो भी एंड में ब्रश में प्रोडक्ट बच जाए उसे स्टार्टिंग में डिपॉजिट कर दें। बहुत ही लाइट हैंड से जाएं आप ब्राउज पे, कभी भी बहुत ज़्यादा फिल इन ना करें, क्योंकि जब ऐसा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक करते हैं तो हमें कोई ड्रामेटिक ब्राउज नहीं करनी होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल रहें। सो देख सकते हैं आप दोनों ब्राउज में डिफरेंस। तो इसी तरह से दूसरी भी कर लेंगे। ब्राउज भी हो गई हैं सेट, आई मेकअप डन। अब आ जाते हैं हमारे ब्लशर एंड कंटूर पार्ट पे। सो दिस विस ब्यूटी का ब्लशर यूज़ करने वाली हूँ। इसमें चार शेड्स आते हैं, मैं ये लाइट और डार्क पिंक का कॉम्बो यूज़ करने वाली हूँ। और इसके लिए हम एक फ्लफी ब्रश ले लेंगे, और इस तरह से फिर इसे एक्सेस को निकालना है। बहुत ही लाइट हैंड से ब्लशिंग करें, बहुत लाइट, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं जब भी ब्लश करें, लाइक दिस। हल्का सा नोज पे, चिन पे, मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब चलते हैं हमारे हाईलाइट पार्ट पे। नो, पहले कंटूर। सो कंटूर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ दिस वेट एंड वाइल्ड कंटूर पैलेट। कंटूर पैलेट में ये अल्ट्रा अफोर्डेबल पैलेट है, और कंटूर के लिए हम ब्रश यूज करने वाले हैं इस तरह का। ये शेड लेंगे, एंड कंटूर के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ईयर के सेंटर से स्टार्ट करना है और नोज़ और लिप्स के सेंटर तक आना है, लाइक दिस। ये जो हमारी लाइन है ये है हमारी कंटूर लाइन। बहुत लाइट हैंड से जाएं, अगेन मैं कहूँगी एक ही बार में आप कलर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट ना करें, लाइक दिस। और बिगिनर हैं तो बहुत लाइट कंटूर करें, अदरवाइज आप अपना फेस खराब कर सकते हैं। बहुत ही लाइट रहे। फोरहेड अगर मेरी तरह ब्रॉड है तो थोड़ा सा फोरहेड पे भी ब्रॉन्जिंग करें, लाइक दिस। नोज को कंटूर करने के लिए आप स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का हेल्प ले सकते हैं, ऐसा। इससे फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। सो इस तरह से आपको दो लाइन्स ड्रॉ करनी है एंड देन इसे ब्लेंड कर लेना है, बहुत इजीली। सो नोज हो गई है कंटूर। अब हमारा पार्ट आ जाता है हाइलाइटिंग का। सो हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मॉल्टन गोल्ड। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन शेड है। तो इसके लिए हम यूज़ करें, आप यूज़ कर सकते हैं ये फैन ब्रश, अगर नहीं है तो इस तरह का ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे इससे लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इस तरह से लेंगे, एक्सेस को रिमूव करेंगे, मिरर हमारा गुम हो गया है ढूंढेंगे, एंड देन उससे अप्लाई करेंगे। दिस दिस लाइन इज आर हाइलाइटिंग लाइन। और लाइक दिस यू कैन सी द ग्लो, बहुत ही प्यारा ग्लो आता है इससे। इसकी तारीफ तो हर किसी ने सुनी ही होगी, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये। हल्का सा फॉरहेड, नोज, क्यूपिड बाउ, चिन, एंड दैट्स इट। सब कुछ हो गया है, नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। सो मैं कुछ रस्टी कलर में लिप्स में जाऊंगी। सो दिस इज रस्टी गोल्ड शेड, एंड इसे अप्लाई करेंगे। आप अपनी पसंद की भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, आप न्यूट्रल न्यूड शेड्स में भी जा सकते हैं, बट मेरा कुछ ऐसा लगाने का मन है सो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ।
इट विल गिव यू अ प्रॉपर बोल्ड लुक. सो लिपस्टिक डन हो चुकी है. सो मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है. ऑलमोस्ट क्या, कम्प्लीटली डन हो चुका है. बस अब हम इसे दोबारा से लॉक कर लेंगे विद दिस मेबली नहीं स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से. दूर से स्प्रे करना है. दैट्स इट. अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी फुल लुक के साथ. सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी लुक? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं आऊँ मेरी न्यू वीडियो के साथ सबसे पहले खबर हो जाए आपको. देख ले आप मेरी वीडियो और कर दे लाइक शेयर एंड कमेंट. और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना. मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.